नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे कभी ना मार सके, ना ही वे रात में मरे, ना ही दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश पे, ना घर में, ना बाहर मरे, यहाँ तक कि कोई शास्त्र भी उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और वो सोचने लगा कि लोग मेरी विष्णु भगवान की तरह पूजा करें। और वही अपने पिता का आदेश पालन ना करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद को कई सजाएं दी जिनसे वे प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे प्रह्लाद को साथ एक चीता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता था। दूसरी तरफ प्रह्लाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग जली, वैसे ही विष्णु भगवान की कृपा से होलिका का वे कपड़ा उड़कर प्रह्लाद के ऊपर चला गया और इस तरह प्रह्लाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका उस आग में जल गई। यही कारण है कि होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।